कोलकाता के बाद वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा शहर आसनसोल ही है। आसनसोल नाम दो अलग अलग यानी आसन पेड़, जो दामोदर नदी के तट पर पाया पेड़ की एक प्रजाति, और सोल भूमि खनिज में समृद्ध भूमि से प्राप्त होती है। 11,56,387 से अधिक जनसंख्या वाला यह महानगर पश्चिम बर्धमान जिले का एक प्रखंड है। प्रदेश की राजधानी कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर दामोदर नदी के तट पर स्थित है। छोटा नागपुर के पठार के लगभग मध्य में पश्चिमी सीमा पर स्थित यह नगर खनिज पदार्थ में धनी है। यहाँ कार्यबल की संख्या अधिक है। इसका भीतरी भाग बांकुड़ा और पुरुलिया और उत्तर बंगाल, उड़ीसा तथा झारखंड राज्यों के कुछ हिस्से से जुड़ा हुआ है। यह भारत के उन 11 शहरों में से एक है जो विश्व के 100 सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों की सूची में से एक है। इस नगर में अर्थव्यवस्था का आधार कोयला एवं स्टील है। 2,500 साल पहले आसनसोल में जैन धर्म की बहुत ही विकास हुआ था। आसनसोल के बगल में ही कुल्टी और रानीगंज शहर है, जो कोयला खानों में भरा है, यानी कोयला खानों से भरा है, या बोल सकते हैं कोयला यहीं से प्राप्त होता है ज्यादातर। भारत का सबसे बड़ा हिस्सों का कोयला यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। आसनसोल के नजदीक माइथन डैम और डीवीसी का पंचेत डैम है, जो घूमने के लिए लोकप्रिय है, बेस्ट है। वैसे अभी जो महीना चल रहा है दिसंबर का, इसमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। पिकनिक मना सकते हैं, आप लोग भी जा सकते हैं घूमने के लिए। यहाँ बहुत ही इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हिंदुस्तान केबल, चित्रंजन लोकोमोटिव, ECL, इसको तथा और भी। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आप इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।